11:25 हो गए हैं, और OI का डाटा अगर हम देखें तो 35,000 की जो पुट ऑप्शन है उसमें 37 लाख हो गया है, और 35,500 की जो कॉल है उसमें 38 लाख का OI डेवलप हो गया है। ओके, उसके साथ ही साथ देखें तो 35,200 में भी 32 लाख का पहुंच गया है, और जो 35,200 की पुट है उसमें भी 22 लाख का है, कॉल में 32 लाख का है और पुट में 22 लाख का है। तो यहाँ से ऑप्शन चेन का डेटा देख के क्या समझ में आता है? यहाँ से हमको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, लोअर साइड में, और 35,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसका OI बढ़ के 40 लाख के ऊपर निकल जाता है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि जो 35,200 है इसके भी ऊपर नहीं जाना चाहिए कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पर 32-33 लाख का OI हो चुका है ऑलरेडी डेवलपमेंट। तो फिलहाल जो मार्केट की रेंज निकल के आती है वो एक छोटी सी रेंज निकल के आती है, 35,200 और 35,000 के बीच में मार्केट यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है? यहाँ पर जो स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है वो ये है कि आप यहाँ पर 35,100 का पुट ऑप्शन सेल कर, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, और उसके साथ में 35,200 का जो है वो पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेटर तो ये रहेगा कि आप यहाँ पर 35,100 का कॉल पुट दोनों सेल करिए, 35,200 का कॉल पुट दोनों सेल करिए, और उसके साथ में 35,000 का पुट है उसका 2 लॉट बाई करिए, और 35,300 की कॉल का 2 लॉट बाई करिए। ये यहाँ पर सबसे सेफ स्ट्रेटजी और मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की है, 1:4 का रेशियो रहेगा, मतलब 1 रुपए के लॉस पे 4 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आपको कम से कम मिलेगा इसमें। तो फिलहाल ये है मार्केट का डाटा, 35,000 को होल्ड कर रहा है, 35,200 पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, और जो 35,200 का पुट भी होल्ड करना चाह रहा है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना 35,200 का कॉल है। और एक सिंपल पोजीशन मैंने बता दी कैसे बन सकती है, अगर आप एक और बनाना चाहते हैं और सिंपल, तो 35,200 का कॉल और पुट ऑप्शन आप दोनों सेल करिए। ओके, और साथ में 35,400 का कॉल बाई करिए और 35,000 का पुट जो है उसको बाई करिए। तो इस तरह की सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पर बनेगी। मार्केट रेंज बाउंड जो था अभी भी रेंज बाउंड ही है, कोई इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है डाटा के हिसाब से, बस अभी आपको 35,000 के डाटा पर फोकस करना है OI पर। ये यहाँ से अगर कम होने लगता है और ये बढ़ने लगता है, ये अपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पर 21 हो जाए और यहाँ पर 30 पार हो जाए, तब समझिए 35,000 को ये अब ब्रेक कर देगा, वहीं पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है न्यूट्रल वाली, फिर वो डायरेक्शनल हो जाएगा। फिलहाल न्यूट्रल मार्केट बना हुआ है, 35,200 के ऊपर मार्केट जाना मुश्किल लग रहा है और 35,000 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। तो अब देखेंगे हम मार्केट का डाटा 1 बजे। ओके।